हमीरपुर के जंगलखास गांव के लोगों ने आज डीसी हमीरपुर देशव्यथा वन को ज्ञापन सौंपकर गांव को जाने वाले आम रास्ते के क्षतिग्रस्त होने के बारे में सूचना दी। साथ ही ग्रामीणों ने डीसी हमीरपुर से मांग की है कि जो गांव के लिए रास्ता जाता है उसकी हालत दयनीय बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि लोगों की सबसे ज्यादा आवाजाही इसी रास्ते से होती है, लेकिन रास्ते की हालत बद से बदतर होने पर यहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। लोगों का कहना है कि लोग रोजाना अपने मवेशियों को भी इसी रास्ते से चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन हर वक्त वहां पर खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने डीसी हमीरपुर से मांग की है कि जल्द गांव के रास्ते को मरम्मत करवाने के लिए काम किया जाए ताकि ग्रामीणों की समस्या का निदान हो सके। सर, हम मांग है कि जो हमारा रास्ता है, मेन रास्ता है गांव का, वो रास्ता जो बुरी तरह डैमेज हो चुका है, उसके लिए पंचायत के पास सिर्फ 60,000 रुपये रिपेयर के लिए था, लेकिन पंचायत तो उस काम को छेड़ने से घबरा रही है। हम भी उसको घबरा रहे हैं, क्योंकि अगर उसको थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करते हैं तो वो बुरी तरह डैमेज होगा। ऊपर बस्ती है, एक चबूतरा है, नीचे 11 KV की लेन जा रही है, बच्चों का स्कूल है नीचे, जो पेड़ है उसके ऊपर लाइन के ऊपर गिर सकते हैं, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, पशु गिर सकता है वहाँ से, कोई आदमी गिर सकता है, और बार बार जो स्लाइडिंग हो रही है उसकी वजह से जो मेन रोड है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उसमें मलबा जो है आए दिन जो मलबा जो है उसके नीचे जा रहा है, और पंचायत के पास इतना फंड नहीं है कि पंचायत इसको साफ से कर सके। तो हमें यहाँ मोहल्ले से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस काम को प्रायोरिटी के आधार पर जितनी जल्दी हो सके करें, ताकि बाकी जो चीज़ बची हुई है वो हमारी बच।